हे ऑसम पीपल, आइए सबसे कम डिस्कस टॉपिक जो है ना, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इस पर डिस्कस करते हैं। लास्टली हम लोग चैप्टर वन डिस्कस किए थे ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे। चैप्टर थोड़ा लंबा हो गया था। अभी मैं कोशिश करूँगा कि छोटे छोटे वीडियोस पार्ट वाइज बना करके इसको हम लोग डालें। दोस्तों, ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज़ द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर टू, जिसमें मार्क डुगलास बता रहे हैं कि क्यों लोग ट्रेडिंग से जुड़ते हैं एंड इंटेंशंस क्या होता है हम लोगों का। ठीक है, द ल्यूर एंड द डेंजर्स ऑफ ट्रेडिंग। तो बोल रहा है कि इन जनवरी 1994 आई वॉज आस्क्ड टू स्पीक एट अ ट्रेडिंग कॉन्फ्रेंस इन शिकागो, स्पॉन्सर्ड बाई फ्यूचर्स मैगजीन। जनवरी 1994 में मार्क डुगलास को एक ट्रेडिंग कॉन्फ्रेंस पे बुलाया गया शिकागो। एट वन ऑफ द लंचियंस आई हैपन टू बी सिटिंग नेक्स्ट टू एन एडिटर फॉर वन ऑफ द मेजर पब्लिशर्स ऑफ बुक अबाउट ट्रेडिंग। लंच के दौरान वो एक मेजर पब्लिशर जो थे उनके बगल में बैठे थे। ठीक है, वी वेर हैविंग अ लाइवली कन्वर्सेशन अबाउट वाई सो फ्यू पीपल बिकम सक्सेसफुल एट ट्रेडिंग, इवन पीपल हु आर अदरवाइज वेरी एकम्पलिस्ड। मार्क डुगलास और जो चीफ एडिटर थे उनके बीच में ये डिस्कशन होने लगा कि क्यों सिर्फ कुछ ही लोग ट्रेडिंग में सक्सेसफुल कर पाते हैं, जबकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अदर फील्ड्स में बहुत अच्छा किया होता है। एट वन पॉइंट द एडिटर आस्क्ड मी इफ अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फेनोमेना माइट बी दैट पीपल वर गेटिंग इनटू ट्रेडिंग फॉर रॉन्ग रीजंस। एडिटर ने उनसे पूछा, मार्क डुगलास से, कि क्या इसका ये एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि लोग किन्हीं गलत रीजंस की वजह से ट्रेडिंग में जाते हैं। तो आइए कुछ रीजंस को हम लोग डिस्कस करते हैं जो कि मेजर अट्रैक्शन बनता है और लोगों का डिस्ट्रक्शन के कारण बनते हैं। तो पहला जो आ रहा है इसमें, द थिंग इज द अट्रैक्शन, कि क्या चमक है ट्रेडिंग की जो लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। आइए रिज्यूम करते हैं लर्निंग। आई हैड टू पॉज फॉर अ मोमेंट टू थिंक अबाउट दिस। मार्क डुगलास को इसके लिए रुकना पड़ा, सोचना पड़ा। आई एग्री दैट मेनी ऑफ द टिपिकल रीजंस पीपल आर मोटिवेटेड टू ट्रेड, द एक्शन, यूफोरिया, डिजायर टू बी अ हीरो, द अटेंशन वन कैन ड्रॉ टू हिमसेल्फ बाय विनिंग, और द सेल्फ पिटी दैट कम्स फ्रॉम लूजिंग, क्रिएट प्रॉब्लम्स दैट विल अल्टीमेटली डिट्रैक्ट फ्रॉम अ ट्रेडर परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल सक्सेस। मार्क डुगलास बोलते हैं कि वो एग्री करते हैं कि बहुत सारे रीजंस जो हम लोगों को ट्रेड करने के लिए मोटिवेट करते हैं, उसमें से कुछ ऐसे रीजंस हैं। पहला, एक्शन। ट्रेडिंग करने से कुछ एक्शन होता है, ठीक है, कुछ हम लोग काम कर रहे होते हैं। यूफोरिया, यूफोरिया का मतलब होता है एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट आता है कि हाँ ट्रेड में प्लस चल रहा है, माइनस चल रहा है। डिजायर टू बी अ हीरो, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ट्रेड करके प्रॉफिट बनाए और लोगों को दिखाएं, एक रीजन होता है। अटेंशन वन कैन ड्रॉ टू हिमसेल्फ बाय विनिंग, हम लोग जब जीतते हैं ना तो लोगों का अट्रैक्शन हमारी तरफ बढ़ता है, तो ये अट्रैक्शन भी हम पाना चाहते हैं कभी कभी। या फिर कभी कभी क्या होता है, हम लोग लूज करते हैं ना कोई चीज, तो हम लोग को अंदर से बहुत खराब लगता है। तो ये इन सब प्रॉब्लम से हम लोग डिट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, और हम लोग हमारा जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो सफर करता है। बट द ट्रू अंडरलाइंग अट्रैक्शन टू ट्रेडिंग इज फार मोर फंडामेंटल एंड यूनिवर्सल। बोलता है ये सब तो रीजन है, लेकिन मेन रीजन जो है वो बहुत ही बेसिक तौर पे है और बहुत यूनिवर्सल है, बहुत ग्लोबल तौर पे है। ट्रेडिंग इज एन एक्टिविटी दैट ऑफर्स द इंडिविजुअल अनलिमिटेड फ्रीडम ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन, अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दैट हैज बीन डिनाइड मोस्ट ऑफ अस फॉर मोस्ट ऑफ आवर लाइव्स। बोलता है कि ट्रेडिंग एक ऐसी एक्टिविटी है ना जो हम लोगों को, इंडिविजुअल को, हर आदमी को अनलिमिटेड फ्रीडम देती है अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का, अपने कला दिखाने का। हम जो बोलना चाहते हैं, हम जो करना चाहते हैं, वो हम ट्रेडिंग में कर सकते हैं, वो हम लोग को ट्रेडिंग बताता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी काम करते हैं, हम लोग को मना किया जाता है, ये मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, लेकिन ट्रेडिंग में क्या है, हम लोग को अनलिमिटेड फ्रीडम मिलता है जिससे कि हम लोग अपना क्रिएटिविटी को उभारते हैं। तो ये भी एक रीज़न है
जो ट्रेडर मान जो मार्क डुगलास मानता है कि फंडामेंटल रीजन है, यूनिवर्सल रीजन है लोगों का ट्रेडिंग में आने का, ठीक है। अब आगे प्रेज्यूम करते हैं। ऑफ कोर्स द एडिटर आस्क्ड मी व्हाट आई मेंट बाय दिस। आई एक्सप्लेन दैट इन ट्रेडिंग एनवायरनमेंट वी मेक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ आवर रूल्स। ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में ना हम लोग खुद के रूल्स बनाते हैं। मे बी हम लोग डिफरेंट वीडियोज देख ले, लाख तरह की स्ट्रैटेजी सीख ले लोगों से, लेकिन जब हम लोग ट्रेड करते हैं ना तो हम अपने बल पे करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी से, अपनी हिसाब से करते हैं, है ना, खुद के रूल बनाते हैं। दिस मीन दैट देर आर वेरी फ्यू रिस्ट्रिक्शंस और बाउंड्रीज ऑन हाउ वी कैन चूज टू एक्सप्रेस आवर सेल्व्स। बहुत ही छोटे छोटे बहुत मिनिमम से रिस्ट्रिक्शंस और बाउंड्रीज हैं जब हम लोग अपने आप को एक्सप्रेस करने का सोचे हैं तो हम लोग कर पा रहे हैं। ऑफ कोर्स देर आर सम फॉर्मेलिटीज सच एज हैविंग टू बिकम अ मेंबर ऑफ एन एक्सचेंज, टू बी अ फ्लो ट्रेडर और मीटिंग द मिनिमम फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स टू ओपन अ ब्रोकरेज अकाउंट इफ यू आर एन ऑफ फ्लो ट्रेडर, बट अदरवाइज वंस यू आर इन अ पोजिशन टू स्टार्ट ट्रेडिंग द पॉसिबिलिटीज दैट एग्जिस्ट फॉर हाउ यू गो अबाउट डूइंग इट आर वर्चुअली लिमिटलेस। छोटे छोटे से रिस्ट्रिक्शंस है कि अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, अपना मेंबर बनना पड़ेगा, अकाउंट में कुछ पैसे होने चाहिए, बाकी सब छोटी छोटी चीज़ें हैं और उसके बाद हम लोग एक ट्रेडर बन सकते हैं, ट्रेडर बन जाते हैं और अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करने लग जाते हैं, ठीक है, और हमारे पास हमारे लिए कोई बाउंड्रीज नहीं होती। आई वेंट ऑन टू गिव एन एग्जाम्पल फ्रॉम अ सेमिनार आई अटेंडेड सेवरल ईयर्स अगो। तो मार्क डुगलास एक एग्जाम्पल देना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एक सेमिनार से जहाँ उन्होंने पिछले साल अटेंड किया था। Someone had calculated that if you combined bond futures, bond options and cash bond options, there would be over 8 billion possible spread combinations. बोलता है कि अगर आप bond future, bond option और cash bond market पे देखो तो 8 billion possible combinations है जिससे trade किया जा सकता है। Now add the timing considerations based on how you read the prevailing market conditions and various ways to trade become virtually limitless. और अगर इसके साथ हम लोग टाइम को जोड़ दें अलग अलग सेशंस के, तो जितने भी तरह से हम मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं वो लिमिटलेस हो जाता है। द एडिटर पॉज्ड फॉर अ मोमेंट एंड आस्क बट व्हाई वुड हैविंग एक्सेस टू सच एन अनरिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट रिजल्ट इन फेयरली कंसिस्टेंट फेलियर। अब एडिटर कंफ्यूज होते हैं और पूछते हैं कि अगर इस तरह से अनरिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट हम लोग को मिलता है, इतनी फ्रीडम मिलती है, तो हम कंटिन्यूसली लोग फेल क्यों हो रहे हैं इसमें। मार्क डुगलास का आंसर है बिकॉज अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज कपल्ड विथ अनलिमिटेड फ्रीडम टू टेक एडवांटेज ऑफ दीज पॉसिबिलिटीज प्रेजेंट द इंडिविजुअल विथ यूनिक एंड स्पेशलाइज्ड साइकोलॉजिकल चैलेंजेस। बोल रहा है कि जब हम लोग के पास अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज मतलब असीम पॉसिबिलिटीज, और जब उसको हम लोग अपनी फ्रीडम के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है, तो हम लोग को दिमाग में बहुत सारा साइकोलॉजिकल चैलेंज आ जाता है, मतलब दिमागी तौर पे बहुत सारा हम लोग को चुनौती मिलती है। ऐसी चुनौती चैलेंजेस दैट वेरी फ्यू पीपल आर प्रॉपरली इक्विप्ड टू डील विद। ऐसे चैलेंजेस जो हमने कभी जिंदगी में फेस नहीं किए होते हैं, ना ही कभी सुना होता है, ना ही कभी देखा होता है, एंड पीपल कांट एग्जैक्टली वर्क ऑन ओवरकमिंग समथिंग इफ दे डोंट इवन नो इट्स अ प्रॉब्लम। और कभी कभी तो हमें पता ही नहीं होता है कि यही प्रॉब्लम है जिसको हम लोग जिसके कारण फेल हो रहे हैं, और इस तरह की प्रॉब्लम जब हमें पता ही नहीं होती तो हम लोग कैसे डील करेंगे। तो दोस्तों दिस थिंग इज कि हमारे पास अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, एक ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं, तो इससे दिमाग पे बहुत सारा साइकोलॉजिकल चैलेंज बनता है, ठीक है, तो इसको कैसे ओवरकम करना है हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मैं जो छोटा छोटा लेसन्स बना रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको हर दिन पोस्ट करूँ, आप से रोज़ सुनिए। ट्रेडिंग साइकोलॉजी जिस दिन आपका मेंटल लेवल पे, मार्क डुगलास बताते हैं कि जिस दिन आप मेंटली प्रॉफिट को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाओगे ना, आप उस जोन में चल जाओगे जहां पर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे, आपको फिर कोई रोक नहीं सकता, ठीक है।
तो उस जोन में जाना इंपॉर्टेंट है। कैसे उस जोन में जाना है हम लोग धीरे धीरे सब्सिक्वेंटली इस बुक में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।